to Anupam. Shukriya Rahul ji. Dosto, saathiyo, सबसे पहले आपको बधाई हो कि ये जो बजट आया इसके मूल्यांकन और इसके जो जन विरोधी चरित्र हैं उसके विरोध में इतनी जल्दी हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हो पाए हैं अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए आप सबका बधाई हो। मुझे इस बजट को बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य से देखते हुए बात करने का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, मैं वही बात रखूंगा। देखिए, देश अभी एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और आपने ध्यान भी दिया होगा कि इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन वो सरकार चुन चुन के झांकियां दिखाती है ना राजपथ पे, हमें है ना राजपथ पे अलग अलग राज्यों की झांकी होती है जो हम देखते हैं, खुश होते हैं, फख्र करते हैं अपने देश पर। उसी दिन एक और झांकी निकली, लेकिन वो झांकी राजपथ पर नहीं निकली थी, वो झांकी निकली एक अखबार के रिपोर्ट में, और वो थी जो देश की असल झांकी थी, वो ये कि पिछले 5 साल में हमारे देश में 3,64,00,000 रोजगार खत्म हो गए। अब ये उस सरकार में जो सरकार पहली बार आई थी इस वादे के साथ कि हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे, रोजगार देंगे, तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाली जो सरकार थी, 5 साल बाद जिसको 10 करोड़ दे देने चाहिए थे, 10 नहीं दे पाए तो 7 देते, 8 देते, 5 देते, 4 देते, 2 देते, 1 देते, कुछ तो देते, कहते कि इतना दिया हमने, देने की बात बहुत दूर है। इसी 26 जनवरी को जब हम राजपथ की झांकी देख रहे थे तो ये है जो देश की असल झांकी थी कि 3,64,00,000 रोजगार खत्म हो गए। हम सबको पता है कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बेरोजगारी, ये सरकारी आंकड़ा है, ये सब हमारा आपका यहाँ किसी विपक्ष की पार्टी का आंकड़ा नहीं है, सरकार के अपने आंकड़े हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है। किसान की खुदकुशी के बारे में हम सब जानते हैं, इतने वक्ताओं ने इस पे बात भी रखी है। इस बार जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया है उससे पता चला है कि किसानों ने जितनी खुदकुशी की 2018 में उससे भी ज्यादा बेरोजगारों ने खुदकुशी की है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप समझिए कितने गंभीर समय में हम जी रहे हैं, हमारे देश के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अब एक और आंकड़ा अपनी बात रखने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, यह संयुक्त राष्ट्र का एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि जो 20 साल से 34 साल की कैटेगरी के जो युवा हैं, जिनकी उम्र 20 से 34 साल के बीच में है, उनमें से 40% ऐसे हैं जो न ही शिक्षा में है, न ही रोजगार में है, और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग में है, ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है। 40% ऐसे युवा 20 से 34 साल के। जब बजट का मौका आता है तो वो अवसर होता है कि इन तरह की चुनौतियों को एड्रेस करने का, देश के सामने जो ऐसी चुनौतियां हैं उसको लेकर सरकार की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, क्या नजरिया है, उसके बारे में बताने का। बजट भाषण शुरू किया वित्त मंत्री जी ने, पहली लाइन में ही युवा युवा बोलना जो शुरू किया, वो अंतिम लाइन तक युवा युवा बोलती ही रही, लेकिन सिर्फ युवा 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 बोलती ही रही, कुछ भी ठोस जो युवाओं के लिए करना चाहिए था, रोजगार के लिए करना चाहिए था, बेरोजगारी खत्म करने के लिए करना चाहिए था, उसमें से कुछ भी ठोस नहीं हुआ। आपके मन में आ सकता है कि क्या ठोस हो सकता था जो सरकार करती। हम लोगों ने बजट से 4 दिन पहले सरकार से मांग किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, युवा हल्ला बोलने, कि ये सरकार जो रजिस्टर बनाने को इतना आतुर है, हमको पता है कौन सा रजिस्टर बनाने को आतुर है ना, रजिस्टर बनाने में लगी हुई है ये सरकार, जिस रजिस्टर बनवाने के चक्कर में 50 दिन से हंगामा खड़ा कर दिया है पूरे देश में। हमने ये मांग किया कि आपको रजिस्टर बनाने में इतना ही मजा आता है अगर, तो आप देश के बेरोजगारों का रजिस्टर बनाइए, वो रजिस्टर बनाएंगे तो वो किसी काम का रजिस्टर होगा। क्यों काम का होगा? क्योंकि अगर बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के प्रति ये सरकार रत्ती भर भी गंभीर है तो उनके पास बेरोजगारों का आंकड़ा तो होना चाहिए ना। देश भर में जो बेरोजगार हैं, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से, किसने कहां तक पढ़ाई की है, कौन किस क्षेत्र में है, उस हिसाब से अगर सरकार के पास आंकड़ा होगा, डेटाबेस होगा, तो जो सरकार की योजना बनेगी बेरोजगारी दूर करने के लिए वो ज्यादा
टारगेटेड ढंग से होगा, ज्यादा टारगेटेड प्लानिंग होगी, ज्यादा टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन होगा, योजना बनेगा भी ढंग से और क्रियान्वयन भी ढंग से होगा। तो ये पहला कदम हो सकता था बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कि आप एक रजिस्टर बनाइए, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड यानी कि NRU। ये थी युवा हल्ला बोल की मांग, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। दूसरी हमने मांग की थी कि सरकार यही बता दे इस बजट में कि सरकारी क्षेत्र में ही, सरकार के पास ही कितने खाली पड़े पद हैं। हम ये नहीं कह रहे कि असंगठित क्षेत्र में कितने रोजगार होने चाहिए थे जो नहीं है, ये मत बताइए, ये हो सकता है आपके बस का भी नहीं है बताना, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि सरकारी विभागों में कितने खाली पड़े पद हैं, इसका ब्यौरा तो देना चाहिए बजट में। पिछले साल 24 लाख के करीब खाली पड़े पद थे, इस साल वो संख्या बढ़ी है, हम नहीं जानते कितना है, बढ़ के कहां तक पहुंचा है, सरकार को बताना चाहिए। अब ये पुलिस के लोग हैं, इनके पुलिस विभाग में ही 5.5 लाख से ज्यादा खाली पड़े पद हैं, बेचारे इतने टेंशन में रहते हैं, अगर इनके विभाग में भी पूरा जितनी आवश्यकता है पुलिस की उतनी हो तो ये कम टेंशन में अपनी ड्यूटी करेंगे, कम टेंशन में जीवन जिएंगे। शिक्षकों की लगभग 12-13 लाख की भर्ती है जो खाली पड़ी हुई है। हमारी ये मांग थी कि सरकार ब्यौरा दे और योजना बताए कि कैसे भरेंगे। हमने एक और मॉडल एग्जाम कोड बना के दिया था इस सरकार को, जैसे चुनाव के समय में मॉडल कोड लागू होता है ना, हमने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भी एक मॉडल कोड लागू होना चाहिए कि कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलने से लेकर नियुक्ति तक जो है मैक्सिमम 9 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हमने बताया एक एक स्टेप की क्या क्या होना चाहिए, कैसे ये 9 महीने में पूरी होगी, तो आप बताएं कितने खाली पड़े पद हैं और उसकी योजना बनाएं कब तक भरेंगे, और ये मॉडल कोड लगा के उसको भरने की योजना बताएं इस बजट में, वो भी नहीं आया। और जो तीसरी सबसे अहम मांग हमने की थी और हमारी अपेक्षा थी वो ये कि बेरोजगारी जिस कदर की राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है आज हमारे देश में, आप सहमत है या नहीं इससे कि बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा है या नहीं, है ना? अगर बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा है तो इस सरकार को ये एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए, और रोजगार का अधिकार कानून लाने को लेकर प्रस्ताव लाना चाहिए था इस बजट में, इससे संबंधित भी कुछ नहीं हुआ। इनमें से कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने। एक काम जो किया जिसका ढिंढोरा अभी भी ये रोज पीट रहे हैं वो ये कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे, आपका भी ध्यान गया होगा इस पे। अब मैं उस पर एक लाइन बस बता देता हूं आपको। देखिए, पहले से ही एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है हमारे देश में। मोदी जी की फितरत है, पुरानी चीजों को नया नाम देके एकदम खूब गाजे बाजे के साथ प्रेजेंट कर देते हैं, हम लोग सब ताली बजाने लग जाते हैं, वाह मोदी जी वाह। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है SSC का मामला जिसमें हम लोगों ने मांग कर रखी है सरकार से कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती के लिए परीक्षा करवाती है वही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी के पोजीशन के लिए करवा सकती है, उसके पास सारे तंत्र हैं, यंत्र है, ज्ञान है, काबिलियत है। लेकिन ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाली बात है ये 3 साल से कर रहे हैं, एक नया नाम NRA दे दिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई घोषणा कर दी, बता रहे हैं कि बहुत कुछ दे दिया हमने देश को, युवाओं को दे दिया, तो उसकी सच्चाई भी ये है। तो अपनी बात का मैं समापन करना चाहता हूँ, कई वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक छोटे से नारे के साथ और आपका सहयोग चाहिए इस नारे में। देखिए, NRC NPR पे बहस चल रही है देश में, हम कह रहे हैं कि हमको NRC चाहिए ना NPR चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, ना NRC ना NPR हमको चाहिए, ना NRC ना NPR, ना NRC ना NPR, ना NRC ना NPR। शुक्रिया, धन्यवाद।